हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में भिन्न पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था। भिन्न में सबसे ज्यादा यूज एलसीएम होता है, इसलिए मैंने आपको एलसीएम पहले ही बता दिया था। अब चलिए हम देखते हैं भिन्न। सबसे पहली बात, भिन्न को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, भिन्न होती कैसी है। ठीक है, जिन संख्याओं को हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं उनको हम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10, 1/2, 4/5, 6/10, ऐसी संख्या जो बटे में लिखी रहती है इन संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। ये बात तो हो गई भिन्न की। अब हम बात करते हैं भिन्न के भागों की। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3/10। अब इस नंबर में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भिन्न में अंश क्या है और हर क्या है। तो देखिए, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं अंश, और ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं हर। हम इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा खेतों में हम क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं। तो जो नीचे की चीज है, जो जमीन से जुड़ी चीज है, जो नीचे की चीज है वो क्या है, हर। उसको हम हल से रिलेट कीजिए आप, हल और हर। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि जो नीचे वाली होती है उसको हम हर कहते हैं और ऊपर वाला जो होता है उसको हम अंश कहते हैं। अब चलिए, आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से भिन्न के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें भिन्न को जोड़ना घटाना ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब हम पहले भिन्न के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप वन टाइप के क्वेश्चन। टाइप वन में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके हर की संख्या सेम होती है और अंश अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/5 और 3/5, हमें इन दोनों को जोड़ना है। इनमें क्या है, अंश अलग है और अंश अलग अलग है, हर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कॉपी पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, जो अंश वाली चीजें हैं इनको आपस में जोड़ दीजिए और जो हर वाली चीजें हैं इनको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हर में हमारे पास क्या है, 5, तो हमने नीचे लिख दिया 5। अब अंश में क्या है, 3/2, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 5/5, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। अब टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चाहे आगे कितने भी नंबर दिए, 2, 3, 4, 5, सब अगर हर सेम है तो आप हर को एक जैसा लिख दीजिए, अंश को आपस में जोड़ दीजिए, अंश में जो संख्याएं दी हुई है उनको आप आपस में जोड़ दीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं टाइप 2 को क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या आता है, अंश भी अलग अलग होता है और हर भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1/3 + 3/5, हमारे पास ये एक नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है, हम क्या करेंगे, इन जो हमारे हर वाली संख्याएं होती हैं इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमने आपको निकालना सिखाया है, उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। चलिए यहाँ पे हमने देख लिया 3 और 5 का हमें एलसीएम निकालना है। पहले 3 से भाग देंगे, छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम 3 का देंगे और 5 को हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर हम 5 का देंगे। अब हमारे पास हमारा एलसीएम कितना आ गया, 15, 5 × 3 यानी कि कितना आ गया, 15। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको हम नीचे लिख देंगे। इसके बाद ये वाली जो संख्या है जो हमारी हर में है, इस संख्या का एलसीएम में डिवाइड दीजिए, कितना आया, 3/5 = 15।
तीन बच्चे 15 और उसको अंश में गुणा कर दीजिए, तो 5 में गुणे 3 बच्चे 15 5 प्लस 5 का भाग दीजिए 15 में, 5 3 15 और इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया 5 और 9 बटे 15 यानी कि 9 और 5 14 में बटे 15 ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स आप लोगों ने यूपीटेट की बुक्स खरीदी होंगी, सबने अलग अलग खरीदी होंगी, तो आप लोग एक काम कीजिए अपनी बुक उठाइए उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए मैथ्स जो है वो हमें डेली प्रैक्टिस से ही आती है, तो आप उनसे रोज के रोज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आप वही चैप्टर लेके उनको सॉल्व कीजिए, फिर जो क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है या जो जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा वो क्वेश्चन आप हमें भेजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम आपको सोल्यूशन के साथ उसको बताएंगे। अब चलिए जैसे अंश में जोड़ का आता है वैसे ही अंश में घटाने का भी आता है। जैसे हमें नंबर दिया है 2/5 और 3/10, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों जो हमारे सॉरी हम पहले माइनस देख लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों नंबर का हम एलसीएम लेंगे 10 और 5 का, 2 × 5 = 10 ऐसे आ जाएगा 5, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 10। 5 का भाग दीजिए 5 × 10 और इस वाले 2 में गुणा कर दीजिए, −10 × 10 एक ही बार जा रहा है तो 3 में कितने का गुणा होगा, 1 का गुणा होगा, हमारे पास कितना आया 4 − 3/10 यानी कि 1/10 ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको दो हमने 2 नंबर लेके बताया, आगे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ नहीं करना बस सिंपली आपको एलसीएम लेना और सेम प्रोसेस को फॉलो करना। अब चलिए हम आपको एक Type 3 क्वेश्चन भी एक और टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहे हैं पेपर में आपको इसी टाइप में इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। हमने कोई नंबर ले लिया 2 सही 1/5 + 3 सही 4/5 मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एक जनरल उसकी बात करें हम जनरल कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो जनरली इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है, ये 2 नंबर जो हैं इन दोनों का गुणा कर लेते हैं 5 × 10 और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 10 और 1 = 11 में बटे 5 प्लस फिर इन दोनों का गुणा करते हैं फिर जो आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं तो 3/15 + 4 = 19/5। लेकिन हमको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, हम आपको बहुत इजी मेथड बता रहे हैं जिसमें कि आपको पेपर में पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कीजिए, ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं इनको पहले जोड़ लो, कितना आ गया 3 और 2 = 5 इन दोनों नंबर को पहले जोड़ो, फिर क्या करो ये जो नंबर जो हमें भिन्न के फॉर्म में दिया है इनको लिख लीजिए कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको Type 1 के क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि अगर हमारा हर की संख्या समान है और अंश अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, हम हर को एज इट इज लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 4 और 1 = 5 और ये भी कितना था हमारे पास 5
अब ये तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि आप पेपर आसानी से निकाल लें, और सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है और उसके पास में जो बेल का बटन है वो नहीं प्रेस किया, तो प्लीज उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उन्हें डेली के डेली देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी चीज में डाउट हो, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन दिया होगा उसको प्रेस करें, और उसके पास में एक बेल का बटन दिया होगा उसको प्रेस करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।